गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आज का आज के इस सेशन में। और आज अगले दार्शनिकों में हमारे अगले दार्शनिक हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें प्यार से हम सभी गुरुदेव के नाम से संबोधित करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी शैक्षणिक दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से और इसके साथ ही कई और क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं से कई सारी ऐसी बातें बताई जो आज प्रासंगिकता रखती है। तो शुरुआत करते हैं उनके एक महत्वपूर्ण कथन से, जिसमें वो कहते हैं कि जब आप विनम्र होते हैं तब आप महानता के सबसे करीब होते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही है, विनम्रता से व्यक्ति महानता को प्राप्त कर सकता है, इन्हीं का एक कथन है। एक और कथन इन्हीं का है कि सरल प्रसन्न होना सरल है। क्या कहते हैं? प्रसन्न होना सरल है, मतलब व्यक्ति खुश होना सरल है, परंतु सरल होना कठिन है। सरल होना कठिन है, यही बात कहते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। व्यक्ति प्रसन्न आसानी से हो जाता है, ये सरल है, सिंपल है, पर व्यक्ति सरल होगा ये बड़ा कठिन है। और सरलता को जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति विनम्र अपने आप हो जाता है। और जब आप विनम्र हो जाते हो तो आप महानता को प्राप्त करते हो। गांधी जी भी यही बात कहते हैं कि किसी व्यक्ति की महानता चेक करनी हो ना, उसके महान कार्य से मत करना, उसके साधारण कार्य से करना जो दैनिक जीवन में वो करता है। अगर उस कार्य को भी वो महान तरीके से करता है तो व्यक्ति वास्तव में महान है। क्योंकि महान कार्यों को या विशाल कार्यों को तो कोई भी व्यक्ति महान तरीके से संपन्न कर सकता है, साधारण कार्यों को भी अगर वो उसी तरीके से कर रहा है तो व्यक्ति वास्तव में महान है। तो महानता की पहचान यही है। जानते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्या क्या बातें कही गई है, तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो भाई, पहले इनके साहित्य की बात कर लेते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध साहित्य जिसके लिए एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य का इन्हीं को मिला था, गीतांजलि। ये मानसी और इसको कौन नहीं जानता, काबुलीवाला, ये तो आप लोगों ने अपने जीवन में पढ़ी भी होगी बचपन में। डाकघर गोरा बड़ी फेमस है। पोस्टमास्टर, ये इनकी कुछ कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसका मतलब केवल यही नहीं, केवल यही रचना, और भी बड़ी फेमस रचनाएं हैं, पर हम इसको अभी देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी कौन कौन सी थी। सामाजिक जीवन की थोड़ी बात करें कि सामाजिक जीवन में इनका क्या योगदान रहा। तो देखिए, बंग-भंग आंदोलन की शुरुआत इन्होंने करी थी रक्षाबंधन के दिन। बंग-भंग आंदोलन मतलब आप समझिए, बंगाल विभाजन जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू कर दिया गया था, उसको खत्म करने के इन्होंने प्रयास किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, उसके विरोध में इन्होंने नाइट हुड की उपाधि लौटा दी थी, और सर की उपाधि को भी इन्होंने रिटर्न कर दिया था। जब अंग्रेजों ने इनको उपाधि दी थी तो बोला कि नहीं, तुम्हारी उपाधि हम धारण नहीं करेंगे। प्रकृति का सजीव चित्रण अपने साहित्य में किया चित्रकला के माध्यम से। बहुत फेमस पेंटर, संगीतज्ञ, शिक्षक, मानवतावादी और एक तरफ से पर्यावरणविद, और बहुत बड़े इनोवेटिव पर्सन। तो इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, समाज के प्रति उदार भावना के व्यक्तित्व के वो धनी थे। सभी को विनम्रता से देखते थे, सभी को उदार भावना से देखते थे, समाज में कट्टरता का विरोध करते थे। कट्टरता किसी भी समाज में अच्छी नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो समाज में बुराइयां व्याप्त थी, गुलामी थी, उसको दूर करने के लिए अपने कई साहित्य लिखे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं, गुरुदेव जी के द्वारा क्या क्या बात की गई, समाज के प्रति उदार भावना तो उन्होंने रखी, इसके साथ ही उन्होंने वैष्णव जो मतावलंबी थे, कवि थे, पाश्चात्य फिलोसफर थे, इनका भी इनके साहित्य पर प्रभाव देखने को हमें मिलता है। देखो भाई, इनके साथ ही इन्होंने जो भारतीय आंदोलन चलाए उनका भी धार्मिक सुधार या सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रभाव भी इनके ऊपर देखने को मिला। पहला है ब्रह्म समाज, आपको भी पता होगा राजा राम मोहन राय जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा साहित्य आंदोलन किए गए, मतलब उनके द्वारा कुछ साहित्य लिखे गए, आपको भी पता होगा आनंद मठ में काफी कुछ क्रांतिकारी बातें कही गई थी, तो उनका प्रभाव इनके साहित्य पर देखने को मिलता है। जब उन्होंने लिखा था 57 की क्रांति को, तो इसको उन्होंने देखा, इसका भी प्रभाव देखने को मिला। और ये अंधविश्वास और रूढ़ियों के बड़े घोर विरोधी थे। रूढ़ियों में कई सारी रूढ़ियों का इन्होंने विरोध भी किया। एक कथन बड़ा इनका प्रसिद्ध है, जब राष्ट्रवाद की बात आती है, राष्ट्रवाद या मानवता की बात आती है, तो मानवता को बड़ा महत्व देते हैं, मानवता को ये सर्वोपरि मानते थे, मानवता सबसे ऊपर है, राष्ट्रवाद भी उन्होंने नीचे ही रखा। यहाँ तक इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक मानवता के ऊपर राष्ट्रवाद को विजय नहीं होने दूंगा, मतलब राष्ट्रवाद की विजय नहीं होने दूंगा। राष्ट्रवाद मतलब एक व्यक्ति एक राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्र के लिए अपने आप को राष्ट्र को सर्वोपरि माने, और मानवता उससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। याद रखना, ह्यूमैनिटी नहीं होगी तो राष्ट्रवाद कहाँ से आएगा, नेशनलिज्म से बड़ा कॉन्सेप्ट है। और ये इसकी बड़ी पुष्टि कर देते हैं कई तर्कों के माध्यम से कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा राष्ट्रवाद को जीतने नहीं दूंगा मानवता के ऊपर, है ना। अब देखो कुछ मामलों में सही भी है, कुछ मामलों में मानवता को देश काल परिस्थिति अनुसार हमें ध्यान में भी रखना पड़ता है, और कुछ परिस्थिति में हमें राष्ट्रवाद को भी ध्यान में रखना पड़ता है ना। सब इनके अपने अपने मत हैं, पर कई जगह पे आज पूरी तरीके से राष्ट्रवाद भी कई जगह पे प्रासंगिक हो जाता है, और कई जगह पे मानवता, वैसे मानवता को हमें सबसे ऊपर रखना होगा, क्योंकि मानवता ही नहीं रहेगी, राष्ट्रवाद नहीं रहेगा, मानवता सबसे ऊपर है। अब बात करते हैं, क्या बात कही थी इन्होंने, बड़े मानवतावादी थे, तो जाहिर सी बात है इनका कथन वही कि मैं जब तक जीवित रहूंगा मानवता को सर्वोपरि रखूंगा, ठीक है। इन्होंने उपनिषदों, जो भी उपनिषदों में बात कही गई थी उनको सरल भाषा में रखा लोगों के सामने कि भाई उपनिषद गलत नहीं कहते, बहुत सारी अच्छी बातें उसमें छुपी हुई है ना। और इन्होंने बोला व्यक्ति और सार्वभौमिकता के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना चाहिए, ये इनका भी कथन था। अभी नहीं ऊपर उठाए रखे, भी बनाए रखे, राज्य विचार भी अभी हम लोग जानेंगे। बड़े प्रसिद्ध मानवतावादी थे। थोड़ा राज्य विचारों की बात कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय व्यवस्था के पक्षधर थे। प्राचीन भारतीय व्यवस्था मतलब कि कर्म आधारित हो, वर्ण व्यवस्था की, जन्म आधारित नहीं, ठीक है। जनता को शक्ति देने की बात करते थे, कि भाई राज्य को ज्यादा पावर, जनता को ज्यादा पावर होनी चाहिए, डेमोक्रेसी एक प्रकार से बोले तो। राज्य की तुलना में समाज बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये भी इनके द्वारा बात कही गई। स्टेट से ऊपर सोसाइटी होती है, जाहिर सी बात है कि जब ये मानवतावादी थे, मानवता की बात करते थे, तो नेशनलिज्म को नकार देते थे। नकारने का मतलब नेशनलिज्म को बोना मानते थे, ऐसे ही राज्य से बड़ा समाज को माना है, समाज से ही तो मिलकर राज्य बनेगा, समाजों ने ही तो मिलकर के राज्य बनाया। जैसे आज बोलोगे आप सरकार बड़ी है जनता, तो जाहिर सी बात है जनता ने मिलकर के सरकार बनाई है, तो ऐसे ही राज्य से बड़ा समाज है, समाज को ज्यादा महत्व देते हैं। एक बड़ी बात जो आज भी प्रासंगिक है कि ग्राम आत्मनिर्भरता देश के विकास को सुनिश्चित कर सकती है। इस मामले में गांधी जी और इनके विचार दोनों को सहमत थे। आपको पता भी होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने। और गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोनों ही फेमस हो गए, एक फेमस हो गए गुरुदेव के नाम से, एक महात्मा के नाम से। ग्राम निर्भरता से राष्ट्र निर्भरता या राष्ट्र प्रगति दोनों ही एक बात करते थे। गांधी जी भी ग्राम स्वराज की बात करते थे, और ये भी ग्राम आत्मनिर्भरता की बात करते थे। दोनों ही परिस्थिति में ये दोनों बात ग्राम को, गांव को मजबूत बनाने की बात करते थे।
अब देखिए, इस मानवतावादी विचार में सबसे पहले उपनिषदों का अर्थ समझाया और सार्वभौमिकता भी समझने से बिठाया कि भाई जो जो संसार में है और मनुष्य में है ये एकात्म ही है, उसकी उन्होंने बात कही, ऊपर उठाए और थोड़ा समझते हैं इनका मानवतावादी दृष्टिकोण क्या था। देखो भाई, सामंजस्य से बिठाने का मतलब क्या है, मनुष्य पूरी दुनिया को अपना एक घर मान करके चले, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व राज्य, और इसी के चलते इन्होंने एक संस्था बनाई, विश्व भारती संस्था। जब इनसे पूछा गया कि आपका भविष्य का विजन क्या है, क्या करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा था कि विश्वग्राम के रूप में एक मैं विश्व भारती नाम की एक ऐसी संस्था बनाऊंगा, एक ऐसा विद्यालय बनाऊंगा, विश्वविद्यालय बनाऊंगा, जहां पर दुनिया के सभी देशों के जो भी छात्र छात्राएं हैं वो आकर के बेरोक टोक शिक्षा प्राप्त कर सके, सभी लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। और आज इनकी जो विश्व भारती संस्था है ना, बड़ी फेमस है, यूनिवर्सिटी बन चुकी है आज भी, पहले शांति निकेतन के रूप में कन्वर्ट हुई, आज वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जाती है। और मजेदार फैक्ट यह है कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी होती है जिसका चांसलर भारत का प्रधानमंत्री होता है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, याद रखना, एकमात्र यूनिवर्सिटी होती है जिसका चांसलर भारत का प्रधानमंत्री होता है। नहीं तो जितनी भी केंद्रीय यूनिवर्सिटियां होती है उनके चांसलर या कुलाधिपति जो होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। एकमात्र इसका कुलाधिपति या चांसलर प्रधानमंत्री होता है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और स्टेट की यूनिवर्सिटियों का राज्यपाल होता है, कुलाधिपति। प्राची एवं पाश्चात्य सभ्यता के मिश्रण पर बल दिया, देखो इन्होंने बुराई नहीं करी वेस्टर्न कल्चर को भी, इन्होंने बोला कि वेस्टर्न कल्चर कुछ मामलों में ठीक भी है, कुछ मामलों में गलत भी है, हर किसी चीज की अच्छाई ले सकते हैं, बुराई को त्याग सकते हैं। तो चूंकि राजा राममोहन राय ने भी इस चीज का विरोध नहीं किया, इन्होंने भी इस चीज का विरोध नहीं किया, तो दोनों ही के विचार लगभग मिल करके सामने आते हैं कि भाई वेस्टर्न भी हो और प्राचीन भी हो, मतलब कि प्राच्य मतलब कि हमारी भारत की जो प्राचीन व्यवस्था चली आ रही थी उसको भी उन्होंने नहीं नकारा और बोला कि आधुनिकता को भी स्वीकार करें, मॉडर्नाइजेशन और एनसेंट का एक बेजोड़ संयोग की बातें करते थे। वर्तमान में विश्व राज्य की संकल्पना के माध्यम से कुछ स्तर तक पूर्ण हुई है, आपको भी पता है टेक्नोलॉजी ने आज इसको ग्लोबल विलेज बना दिया है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया के सभी देश आपस में इतने जुड़ चुके हैं कि कहीं से भी कोई सामान आ जा सकता है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गई है। तो आज इनकी अगर पूछा जाए कि इनकी रविंद्रनाथ टैगोर की प्रासंगिकता क्या है, तो बोल दीजिएगा भाई विश्वग्राम की संकल्पना प्रासंगिक हो भी रही है, और हम लोग तो हमेशा से मानते आए हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, समस्त विश्व एक परिवार है। अभी बीते समय में G20 हुआ था भारत की अध्यक्षता में, G20 में भी हम लोगों ने वसुदेव कुटुंबकम एक धेवा के रखा था, तो उसमें भी यही बात थी, वन फैमिली वन फ्यूचर वन अर्थ, एक पृथ्वी एक विश्व एक परिवार। और ये आज भी इनके विचारों से प्रेरित है, कहा जा सकता है कि विश्वग्राम की संकल्पना आज भी सही है। क्या कहता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का मानव धर्म, अव्यक्त के साथ व्यक्त व्यक्ति के संबंध की चेतना पर बल दिया है। अव्यक्त मतलब कि जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है उनके बीच की चेतना पर बोला कि मानव चेतना जो है होनी चाहिए। जीवन को गुरुत्वाकर्षण का केंद्र मानव धर्म है, देखो कितनी बड़ी बात कही, आज के समय में मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सभी धर्मों में अगर कॉमन बात निकाल कर लाए ना तो मानवता सबसे बड़ी बात है। अगर मानवता ही खत्म हो जाएगी तो ना तो राष्ट्रवाद बचेगा, ना ही धर्म बचेगा, ना ही और जो कॉन्सेप्ट चले आते हैं जाति के, व्यवस्थाओं के, अन्य सारे, सबसे बड़ी मानवता है। और मानवता खत्म तो फिर सब खत्म, काहे का राज्य काहे का देश। तो मानवता सबसे बड़ी चीज है और मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, जीवन के गुरुत्वाकर्षण केंद्र है मानव धर्म, वह प्रकृति के साथ समन्वयकारी कारक भी है, कोऑर्डिनेशन लेकर के चलता है। हमारे यहाँ पर देखो दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग बोलते हैं मानवता पर ज्यादा मानव पर ज्यादा फोकस किया जाता है, हमारे यहाँ तो एंथ्रोपोबायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है भारत में। तो एंथ्रोपोबायोलॉजी मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग सुखी हो, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी
को किसी प्रकार का दुख ना हो, मां कश्चित दुख भाग्भवेत, किसी प्रकार का दुख ना हो, सभी प्रकार का सभी लोगों का कल्याण हो, है ना। हम लोग तो वसुदेव कुटुंबकम में पृथ्वी को एक परिवार मान करके सब जीव जंतुओं की रक्षा की बात करते हैं। तो प्रकृति के साथ तभी तो कोऑर्डिनेशन बन पाएगा जब मनुष्य मानवता को नहीं भूलेगा। ठीक है, एक अच्छा इंसान वही है या फिर एक अच्छा मानववादी उसी को हम लोग बोलेंगे जो अपने साथ साथ अन्य दूसरे इंसानों और प्रकृति को भी साथ में लेकर के चले, उनके लिए भी प्रयास करें, वही सच्चा मानव है। ठीक है भाई, तो ये इनके द्वारा बात कही गई थी। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें जीवन के संपूर्ण क्षेत्र में समन्वय स्थापित करके ही जीवन की संकल्पना पर बल दिया जा सकता है। जीवन के संपूर्ण क्षेत्र में अभी इनका जो ये विचार है शैक्षणिक दृष्टि से भी बहुत प्रासंगिक है। जीवन के हर पहलू को हमें समझना पड़ेगा। जीवन संगीतमय भी है, जीवन रसमय भी है, जीवन क्रांतिमय भी है, जीवन अध्यात्म भी है, जीवन वास्तविक भी है, जीवन वास्तविकता से भी परे है। जीवन को बहुत कुछ इन्होंने बोला है। संपूर्ण क्षेत्रों में हमें कोऑर्डिनेशन बनाने पड़ेगा, हर क्षेत्रों में। ठीक है, आगे बात करते हैं, ऊपर उठाए थोड़ा सा और ऊपर उठा। बस विश्व राज्य धर्म जीवन के विच्छेद विषमता से परे हैं। विश्व राज्य धर्म जीवन के विच्छेद विषमता से परे हैं। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा है कि सभी में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। जो विश्व राज्य हैं इनका, वो धर्म और जीवन के विच्छेद विषमता से परे हैं। मतलब कि पूरी दुनिया को अगर हम लोग बोल लें कि एक राज्य बन जाए पूरी दुनिया, ऐसे में धर्म और जो लोगों में भेदभाव होते हैं ना, जाति के आधार पर हो सकते हैं, महिला पुरुष में भेदभाव हो सकते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं, उन सभी में विश्व राज्य का कॉन्सेप्ट क्या है, अपने आप में एक मजबूत है। विश्व राज्य इनसे परे है भाई, इन चीजों से ऊपर है, यानी बड़ा कॉन्सेप्ट है। परिपूर्णता व सरलता आदर्श है, वही बात कहा ना भी थोड़ी देर पहले। अगर व्यक्ति सरल होता है तो वो महानता के सबसे नजदीक होता है। यह आदर्श इन्होंने बताया, सरल सादगी, जिसको हम बोलते हैं कि व्यक्ति के अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। तो व्यक्ति विनम्र रहेगा, सरल रहेगा, तो वो क्या है, आदर्शवाद को प्राप्त करेगा। परिपूर्णता ये भी एक आदर्श है कि हम लोग अनकंप्लीट है, ज्ञान प्राप्त करके सीख करके आगे बढ़े तो परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। आदर्श परिवार का भी ध्येय वाक्य है, बढ़ाते हैं कदम पूर्णता की ओर निरंतर उत्साह के साथ। तो निरंतर उत्साह के साथ हम लोग कदम बढ़ाते हैं ना पूर्णता की ओर, क्योंकि हम भी अपूर्ण है, सभी लोग। मानवता पूर्णता, मानव पूर्णता को प्राप्त करेगा जब उसको परम सत्य की ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, मानव धर्म में संकीर्ण भाव है और आडंबरों की आवश्यकता नहीं होती है भाई। मानव धर्म छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मेरा धर्म श्रेष्ठ है, ये उसका धर्म श्रेष्ठ है, ये उसका धर्म श्रेष्ठ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है भैया, सर्व धर्म संभाव वैचित्र्या द्रज कुटिल नाम नाना पथ जुसाम नृणा मेघ गामस्यो वशी पय साम वरवा इवा। यानी कि जिस प्रकार से अलग अलग स्रोतों से निकलती हुई नदियों का अंतिम उद्देश्य है समुद्र में विलीन हो जाना, उसी प्रकार से विश्व के सभी धर्मों का अंतिम उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति करना। यही सर्वधर्म संभाव है। और उनसे भी प्रेरित थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद से भी प्रेरित थे। यहाँ तक कि इन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, कि अगर आपको भारत को जानना है ना, या भारत के युवा को जानना है, मतलब भारत को जानना है, तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो, जान जाओगे भारत कैसा है। समझ गए, इतनी बड़ी बात कही है। भारत को जानने के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो। ये भी वही बात कहते हैं, मानव धर्म ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आज धर्म के नाम पर बड़ी लड़ाइयां होती रहती है लोगों में, मेरा धर्म श्रेष्ठ, इसका धर्म श्रेष्ठ। अगर इन धर्मों को हटा दे तो सबसे पहले आपकी पहचान किससे है, एक दूसरे प्रजाति के जीव से। मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं, एक तरफ
कोई भी जीव ले लेते हैं, सर्प ले लेते हैं, बिल्ली ले लेते हैं, केंचुआ ले लेते हैं, उनसे हमारी तुलना करें बाकी सब जीवों की, तो हम लोग सभी मानव हैं। फिर मानव में एक अंतर भेद हो गया, ये उस धर्म का, ये उस धर्म का। तो कहते हैं मानवता सबसे में कॉमन फैक्टर निकल कर आता है, सब में कॉमन मानवता है एक दूसरे जीव की तुलना में। तो मानवता सबसे बड़ा उसमें आडंबर और बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, सब में मानव देखो, है ना। रविदास जी कहते हैं ना, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि सो भजे, हरि को भजे सो हरि का होए। तो मानवता तो बड़ा कॉन्सेप्ट है, सब में इंसान बसता है। शिक्षा संबंधी विचार क्या आते हैं इनके, ये आज भी कई जगह में प्रासंगिकता है, और इन्हीं के प्रयासों से संगीत की शिक्षा आज बड़े स्तर पर दी जाती है। पहले लोग संगीत को शिक्षा ही नहीं मानते थे, संगीत को केवल मनोरंजन का एक साधन मानते थे। संगीत यानी मनोरंजन, संगीत यानी कि अलग ही धारणा थी लोगों की संगीत को लेकर के। पर आज देखो कि बड़ी बड़ी म्यूजिक से रिलेटेड यूनिवर्सिटियां खुली हुई है, बड़े बड़े कॉलेज हैं। संगीत को और डांस को साथ में, और चित्रकला को, इनको शिक्षा के रूप में कन्वर्ट करना, इसके लिए इन्होंने बड़ा संघर्ष किया। और आज इन्हीं के प्रयासों की बदौलत आप मानिए कि बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में आज ये तीनों चीजों को पढ़ाया जाता है एज ए सब्जेक्ट। नहीं तो पहले जब तक इन्होंने प्रयास नहीं किए, लोगों की धारणा यही थी कि संगीत कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, चित्रकला कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो शौक है, ये तो कुछ अलग है। पर जब इन्होंने प्रयास किया तो गाना, नाचना और चित्रकारी तीनों को ही एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया। ये सबसे बड़ा एहसान बोले या फिर उपकार बोले या बोले, सबसे बड़ा प्रयास है रविंद्रनाथ टैगोर जी का संगीत के रूप में। संगीत शिक्षा पर बड़ा जोर देते थे। विद्यालय प्रणाली में चिंता व्यक्त की, क्योंकि ये छात्रों को समाज और प्रकृति से दूर करती है। खुले में एजुकेशन की बात करते थे, प्राकृतिक शिक्षा की बात करते थे, कहते थे कि वही बड़ी दिक्कत है अगर व्यक्ति को बांध कर रख दिया जाएगा बच्चे को। वो कहते हैं बच्चे कल्पनाशील होते हैं, आजकल जो शिक्षा दी जाती है स्कूलों और कॉलेजों में बंद शिक्षा रहती है, प्रकृति के बीच में ले जाकर के प्रैक्टिकल शिक्षा दो ना। ये तो यहाँ तक कि विद्यालय भी खुले में रहते थे, बड़ा जैसे आप देखोगे पुराने जमाने में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, प्रकृति के बीच में, पेड़ पौधों में, जंगलों में, नदियों पहाड़ों के किनारे शिक्षा दी जाती थी शिष्यों को। उसी प्रकार से इसी शिक्षा की बात करते थे कि बंद कॉलेज के कमरों में ही शिक्षा नहीं है, इसके बाहर भी दुनिया है। प्रैक्टिकल ले जाकर के पेड़ को दिखाओगे या किताब में पढ़ाओगे तो किताब की तुलना में प्रैक्टिकल ले जाकर के दिखाओगे तो ज्यादा सीखेगा और बेहतर सीखेगा। कॉलेज प्रणाली का विरोध करते थे, मतलब विरोध का मतलब कि बंद शिक्षा, मतलब की जो किताबों में पढ़ाई जाती है, ये प्रैक्टिकल शिक्षा भी जोर देते थे। यहाँ पर कॉलेज शिक्षा मतलब प्रैक्टिकल शिक्षा पे जोर देते थे, ना कि थ्योरेटिकल पे। तो उनका उन्होंने बोला कि व्यक्ति को संकीर्ण कर देता है, प्रकृति से दूर कर देता है। ये खुद भी खुले आसमान में पढ़ाने पर जोर देते थे, खुले आसमान में इनमें क्लास चलती थी, पेड़ के किनारे बैठ जाते थे, कभी धूप में बैठ जाते थे, कभी नदी किनारे ले जाते थे, कभी पहाड़ों पे ले जाते थे। बड़ी गजब शिक्षा थी इनकी, पद्धति अलग थी भाई साहब। और हर समय हर जमाने में नहीं आते ऐसे शिक्षक, इसीलिए तो इन शिक्षकों को सामान्य नहीं, क्या बोला हमने, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, असमान स्कूली वातावरण जो है वो बनता है, लोग बेहतरीन रूप से सीख नहीं पाते हैं। अपने दर्शन के अनुसार शिक्षा प्रदान करके शांति निकेतन की उन्होंने स्थापना भी करी, और शांति निकेतन के रूप में उन्होंने कहीं कहा कि प्रैक्टिकल शिक्षा ग्रहण करेंगे सब लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रैक्टिकल जितना हो सके सीख पाए ज्यादा बेहतर होगा। ग्रामीण पद्धति पर जोर दिया, शहरों को भी इन्होंने एक प्रकार से बोला कि ग्रामीण समस्या को बाहरी सहायता के बगैर शारीरिक श्रम और ज्ञान के बल पर हल करना चाहिए, मतलब कि जुडिशियल सिस्टम, इन्होंने बोला कि जुडिशियल सिस्टम या कोई बाहरी इंटरफेयर ना करे, इससे चाहे कि गांव के लोग वहीं पर पंच परमेश्वर सिस्टम के माध्यम से समस्याओं को सोल्व करें, ज्यादा बेहतर हो पाएगा। मतलब ग्राम आत्मनिर्भरता की बात करते थे, तो कहते थे ग्रामीण समस्याओं को ग्राम स्तर पर बेहतरीन रूप से व्यक्ति शारीरिक श्रम और ज्ञान के बल पर हल कर सकता है बाहरी सहायता के बगैर। ठीक है, बाहरी सहायता नहीं चाहिए, बस वहां के लोग ही उसको कर
करें। विकासशील बच्चों के लिए बनावटी शहरी वातावरण शत्रु के समान है। मानते थे भाई, जो एकदम बच्चा अभी ट्रांजिशन फेज में है, उस ट्रांजिशन फेज वाले बच्चे के लिए बनावटी शहरी वातावरण, बनावटी शहरी वातावरण का मतलब कि वेस्टर्न कल्चर की कुछ ऐसी बातें जो कि बुरी हो, वो खतरनाक बताया इन्होंने। बंद शिक्षा ना हो, विकासशील है, ज्यादा क्रिएटिव माइंड हो सकता है, ज्यादा डेवलप हो सकता है, इसलिए उसको उस पर ज्यादा काम करना चाहिए। ठीक है भाई, नैतिक चरित्र के विकास के समर्थक रहे। व्यक्ति का नैतिक चरित्र बेहतर होना चाहिए, चरित्र नैतिक होना चाहिए। चरित्र निर्माण की शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद भी जोर देते थे। शिक्षा को आनंददायक बनाने के लिए छात्र व शिक्षक आवास, अभी जो चलता है ना, छात्र व शिक्षक आवास, छात्रावास जिसको हम लोग बोलते हैं हॉस्टल, तो हॉस्टल सिस्टम का समर्थन किया था। आज ये हॉस्टल सिस्टम चलता है कई जगह पे, टीचर और स्टूडेंट एक साथ रहते हैं। पहले पहले गुरुकुल सिस्टम चलता था, वही लगभग छात्र और स्कूल के शिक्षक आवास सिस्टम है। यूनिवर्सिटी में भी तो आप देखोगे ना, बहुत सारे प्रोफेसर और स्टूडेंट लगभग वही उसी के आसपास रहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में। ठीक है, तो ये बात थी। इनका उद्देश्य मनुष्य को प्रकृति से स्पष्ट करना, छात्रों को अपने आवास के योग्य बनाना है। ठीक है, तो प्रकृति की शिक्षा देने की ये बात करते थे, और जाहिर सी बात है इनका उद्देश्य क्या था, मनुष्य को प्रकृति से जोड़ना, छात्रों को अपने आप अभ्यास योग्य बनाना, यानी कि वो खुद सीख पाए, खुद जान पाए, ज्यादा बेहतर रूप से वो कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, इनके द्वारा कुछ और भी अच्छे अच्छे कथन कहे गए हैं जो कि आज जीवन में प्रासंगिकता रखते हैं, है ना। एक बड़ा अच्छा कथन है इनका, ये कहते हैं कि मैंने स्वप्न देखा, है ना, मैंने स्वप्न में देखा, जीवन आनंदमय है, मैं है। इन्होंने कहा कि मैंने स्वप्न में देखा जीवन आनंदमय है, मैंने जाग कर देखा तो जीवन सेवा है, और मैंने सेवा की। मैंने स्वप्न में देखा कि जीवन आनंदमय है, मैंने जाग कर देखा कि जीवन सेवा है, मैंने सेवा की, और सेवा ही आनंद है। कितनी बड़ी बात कही, बात समझोगे तो गहराई में उतर जाएगी। एक और बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, आजकल प्रेम पे बड़ी चर्चा होती है, प्रेम पर भी इनके भी विचार हैं। प्रेम पर ये कहते थे कि प्रेम स्वतंत्रता की बात करता है, किसी पर अधिकार जताने की बात नहीं करता। अगर आप किसी पर अधिकार जताते हो तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम पर ये कहते हैं कि जिस प्रकार से आप पुष्प की पंखुड़ियों को तोड़ करके उसकी खुशबू को एकत्रित नहीं कर सकते, उसकी सुंदरता को एकत्रित नहीं कर सकते, मतलब सुंदरता को एकत्रित नहीं कर सकते पंखुड़ियों को तोड़ करके, उसी प्रकार से किसी के ऊपर बंधन लगा करके, किसी के ऊपर अधिकार जता करके आप प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। ये बड़ी बात कही इनके द्वारा। ठीक है, तो इस पर भी आदमी को ध्यान देना चाहिए कि सही बात है भाई, है ना। अब एक गुस्से पर भी इनके विचार आते हैं कि लोगों ने पूछा कि गुस्सा आदमी को क्यों आता है साहब, तो बड़ी अच्छी बात कही गुस्से पर इन्होंने, क्या कही है समझो। कहते हैं कि गुस्सा व्यक्ति वही करता है जो अपनी पीड़ा को खुल करके नहीं रख सकता, लोगों में स्पष्ट रूप से नहीं रख सकता। जो व्यक्ति अपनी पीड़ा को खुल करके रख सकता है वो गुस्सा नहीं कर सकता। आप देखो, महसूस करो, मैं भी खुद महसूस करता हूँ जीवन में, कई बार मुझे भी गुस्सा आता है तो इरिटेशन की वजह से मुझे बड़ा गुस्सा आता है, इरिटेट हो जाता हूँ कई बार ऐसी बातें जो आप नहीं बता पाते, नहीं बता सकते, कई लोगों को, अपनों को भी नहीं बता सकते। तो बड़ी प्रैक्टिकल बात कही इन्होंने, गुस्सा उस व्यक्ति को ज्यादा आता है जो व्यक्ति अपनी पीड़ा को खुल करके नहीं रख सकता। जो खुल करके रख देगा तो गुस्सा वाला होगा ही नहीं, तो ये बड़ी बात कही इन्होंने, उन्हीं को क्रोध आता है भाई। ठीक है भाई, एक और बात कही है, मन का बोझ हल्का कैसे करें। तो कहते हैं कि जब मैं अपने आप पर हंसता हूँ तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ हल्का हो जाता है। मतलब मैं अपने आप पर हंसता हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं अभी
संसार में तुच्छ हूं, मुझे अभी और ज्ञान प्राप्त करना है। तो क्या होता है कि अपने आप को श्रेष्ठता का जो घमंड रहता है ना, वो खत्म हो जाता है आदमी का। तो श्रेष्ठता का घमंड रहेगा तो अनावश्यक अपने आप को श्रेष्ठता का जो वजन लेकर के घूमता रहता है, वो नहीं घूमेगा। तो ये कहते हैं साहब, अपने आप के ऊपर हंसता हूं तो मतलब जान पाता हूं कि मैं अभी और सीखने योग्य हूं। ठीक है भाई, एक और कहते हैं, एक और बड़ा कथन है इनका। एक बार यूपीएससी में प्रश्न भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा गया है, शायद निबंध है, कि अगर आप किनारे पर खड़े रहकर समुद्र देखते रहोगे तो पार नहीं कर पाओगे, देखते रहोगे तो पार नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते, फिर क्या करना पड़ेगा साहब? डॉट 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 डॉट। अरे उतर कर उतरना पड़ेगा, मतलब कि इसके साथ दूसरी बात कनेक्ट करते हैं कि इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर परफेक्शनिज्म नहीं है, गलतियां उस व्यक्ति से नहीं होगी। ये संभावना अगर व्यक्ति ने खत्म कर दिया, इन गलतियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, तो उसने अपना विकास रोक लिया। हर व्यक्ति से गलती हो सकती है, इसीलिए वो गलतियों के लिए अपने दरवाजे बंद ना करें। गलती वही व्यक्ति करेगा जो कुछ सीखेगा। इसलिए समुद्र में बैठ करके ये ना देखे कि जब मैं अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर लूंगा। कई लोग यही सोच करके प्रीलिम्स नहीं देते, अभी 1 साल और पढ़ लू, 2 साल और पढ़ लू, फिर दूंगा, बाद में दूंगा, अभी मेरा कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ। अरे उतरो तो सही मैदान में, उतरो तो सही। और जो बाहर किनारे पे खड़े रह करके डर जाते हैं, जैसे कि अगर आप समुद्र के किनारे खड़े रह करके देखते रहते हैं, हाँ साहब सब कुछ क्लियर हो जाए तब जाके उतरूंगा, नहीं, बेवकूफी है। अर्ज किया है, गिरते हैं शेर सवार मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तिफल मतलब बच्चा, तो वो बच्चा क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। शेर सवार यानी कि जो संघर्षशील व्यक्ति, वो मैदानी जंग में गिर भी जाता है, संघर्ष में जीत भी जाता है। तो गिरते हैं शेर सवार मैदानी जंग में, वो तिफल ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। इसलिए उतरो तो सही मैदान में, खड़े होकर किनारे से समुद्र मध्य को पार करने के लिए उतरो। ठीक है, बेटर होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये कंप्लीट हो गया, इनके अच्छे अच्छे विचार थे। नेक्स्ट मिलेंगे नए एपिसोड में। कोई डाउट हो तो पूछकर बताएं, आप आंसर आपको जरूर करें, कमेंट मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।